उन बाइबल की हम प्यारी बातों को, उन आसान बातों को भी समझ सकें कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाई है, क्या रखा है हमारे लिए। धन्यवाद ब्रदर, आप हमारे साथ बने हैं। यस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मैं उस कहानी के ज़रिए आपको बताना चाहूँगी कि एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का था, जवान लड़का था, और उसको कार का बहुत शौक था, रेसिंग कार का, महंगी कारों का बहुत शौक था। और वो जानता था कि मेरा पिता जो है वो मुझे सारी चीज़ें दे सकता है, मेरा पिता जो है वो मेरे लिए कुछ भी वो दे सकता है, मुझे उस सामर्थ्य है, धनवान है मेरा पिता, तो मुझे सब कुछ दे सकता है, उसने ऐसा सोचा। तो जब ऐसा हुआ कि उसने ग्रेजुएशन किया, उसका ग्रेजुएशन डे था, और उसको मालूम था कि आज मेरा पिता मुझे कुछ अच्छा सा बड़ा सा इनाम देगा, बड़ी आशा लगा रखी थी उसने। और उसका पिता जानता था कि मेरे बेटे को क्या पसंद है, रेसिंग कार पसंद है, और बहुत महंगी वाली कार पसंद है। बच्चे ने सोचा आज तो मुझे पक्का यही मिलने वाली है। और जब वो ग्रेजुएशन डे हुआ और उसने क्लास पास कर ली और वो बहुत खुश हुआ और उसने पूछा अपने पिता से, तो उसके पिता ने कहा हाँ मैंने तुम्हारे लिए एक इनाम लिया, एक तोहफा मैंने गिफ्ट तुम्हारे लिए लेके रखा है। और उसने वो तोहफा उसको बच्चे को लाके दिया। बच्चे ने जब देखा, बड़े उत्साह से खोला, तो उसमें से एक उसको उसने देखा एक बहुत सुंदर बाइबल उसमें से निकली, नई बाइबल है, बिल्कुल लेदर का कवर है उसमें, उसने सुनहरे अक्षरों में बच्चे का नाम लिखा हुआ है, पिता ने अपना नाम लिखा हुआ है। पिता ने सोचा मेरा बच्चा बहुत खुश होगा देख के। बच्चे ने जब देखा, गुस्सा आ गया, बुड़बुड़ाने लगा, गालियां बकने लगा, सोचने लगा और कहने लगा कि पिता मेरा इतना धनवान है और मुझे क्या दे रहे हो, ये सस्ती सी बाइबल, ये मेरा इनाम है, ये दिया प्रभु पिता आपने मुझे। और वो बहुत बुड़बुड़ाने लगा, गुस्सा करने लगा, और उसने बातचीत भी नहीं की, और गुस्से में वो पैर पटकता हुआ, बुड़बुड़ाता हुआ वो घर से बाहर निकल गया। उसने ना कुछ देखा, ना सुना, ना जाना, पर वो निकल गया बाहर, पिता को छोड़ के, घर को छोड़ के चला गया। और जब चला गया तो अलग दुनिया में गया, पढ़ा लिखा था, पिता ने उसको पढ़ा लिखा के बना रखा था, तो वो नौकरियां करने लगा। धीरे 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 कुछ साल बीतते गए और वो सक्सेसफुल होता रहा, धनवान होता रहा, वो बच्चा भी बड़ा हो गया, धनवान हो गया, उसने अपना घर बना लिया। एक दिन उसको अपने पिता की याद आई, उसका प्रेम याद आया बार बार कि मेरा पिता था, मुझसे कैसे प्रेम करता था, मेरे लिए सब कुछ करता था। पर उसने ये क्यों किया कि जानता तो था पिता मेरा कि मुझे कार चाहिए, रेसिंग कार चाहिए, महंगी कार चाहिए, और ये बस छोटी सी बाइबल सस्ती से ये लाके दे दी मुझे, ये क्या किया। तो वो ऐसा दुखी होने लगा, लेकिन उसको पिता का प्यार भी बार बार खींच रहा था। तो उसने एक दिन सोचा कि मैं जाके अपने पिता से मिल के आऊँगा, बहुत समय हुआ कि मैं उससे मिल के आऊँगा। और जब वो ये सोच ही रहा था तभी उसके पास फ़ोन आता है, और उस फोन से उसको ये सूचित होता है, ये पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, और अब जो कुछ है, घर, पैसा, जायदाद, हर चीज़ वो उसके बेटे के ही लिए है, तो आओ और कलेक्ट कर लो सब सामान। इस समय बेटे का दिल टूट गया, उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या खो दिया, मेरा पिता चला गया लेकिन सब चीज़ें छोड़ के गया है। रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ, पछताता हुआ, वो दुखी मन डर गया, आपने देखा पिता की मृत्यु हो चुकी है, कुछ नहीं है, जाके देखा उस मेज पर वही बाइबल वैसे ही रखी है इतने सालों से जो वो छोड़ के गया था। उसने बहुत कांपते हुए हाथों से, दुखी मन से, आंसू गिर रहे हैं, देखा, याद करा रही, तो वही बाइबल है जो मेरे पिता ने मुझे दी थी। उसने खोल के देखा उसको, तो उसने अंडरलाइन कर रखा था उसके पिता ने कि जब तुम अपने बच्चों को बुरे होकर सब भली वस्तुएं देना चाहते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें सब कुछ और पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। उसके आंसू गिरने लगे, उसने बाइबल उठाई, हाथ कांपने लगे, और तभी क्या हुआ, बाइबल के पीछे से एक चिपकी हुई जो भारी चीज़ थी वो नीचे गिरी। उसने देखा क्या है, तो क्या देखा, वो कार की चाबी थी, वो उसी कार की चाबी थी जिसकी उसको चाहत थी। और उस चाबी के साथ उसने एक टैग लगा रखा था जिसमें पूरा लिखा था कि ये कहाँ, कौन डीलर है, कौन सी शॉप है, क्या है, और लिखा हुआ था पेड इन फुल, पूरी कीमत अदा कर चुका हूँ।
पूरी कीमत अदा कर चुका था उसका पिता, उसकी मन की चाही चीज़ दे चुका था। पर बाइबल खोल के तो देखो और जानो तो कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। और बस उसके बाद उस युवा के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसने इतनी साल जिसमें वो पिता के साथ रह सकता था, उसके प्रेम को जान सकता था, दोनों मिलकर आनंदित हो सकते थे, उस उन आनंद के क्षणों को, जीवन के आनंद के क्षणों को खो दिया दुनियावी चाहत में। आज ऐसे ही प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आज ऐसे ही आप और हम भी जो स्वर्गीय पिता की बात है उसको कई बार हम समझ नहीं पाते। और जैसे हमने इस कहानी में देखा कि कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात यहाँ पर हमने देखी कि पिता का प्रेम कैसे था, कि उसने वचन तो दिया, वचन खोलो तो और जानो तो तभी तो तुम जानोगे कि परमेश्वर पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें हर एक उत्तम वरदान, हर एक उत्तम आशीष प्रभु देना चाहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।